गाइस सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं बहुत टाइम के बाद अपने लॉन्ग वीडियो थोड़ी सी अपलोड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये वाला लुक जो है वो क्रिएट किया है एंड ये लुक बहुत इजी है। जितना ये देखने में टफ लग रहा है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे अपने स्किन को मैं प्रेप कर रही हूँ। यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ एंड उसको बहुत अच्छी तरह से अपने फेस के अंदर एब्जॉर्ब करूँगी, क्योंकि मेकअप से पहले आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट होनी चाहिए, तो ही आपका बेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। तो इसको काफ़ी अच्छी तरह मैं अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी प्राइमर या फिर कलर करेक्टर जो है वह अप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर अप्लाई किया है। जो भी मेरे अंडर आइज़ के नीचे जो ब्लैक एरिया है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी ताकि वो हाइड हो सके एंड उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो जो है वो बेस जो है मेरा काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा। बाद में आपका जो है वो मेकअप वो है ग्रे नहीं होगा, इसलिए मैं ये जो है कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अब बिना कलर करेक्टर के अगर यूज़ करना चाहते हो तो इससे पहले आप डार्क वाला फाउंडेशन अप्लाई करो, उसके बाद आप अपने शेड का फाउंडेशन अप्लाई करना। एंड यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। तो प्राइमर अपने एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि छोटे छोटे से होल्स होते हैं ना आपके फेस के ऊपर, तो वहाँ पे उसको कवर करने के लिए मैं जो है प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज फिलिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी आईब्रोज जो है पहले से काफ़ी थोड़ी सी हैवी हैवी सी है, मुझे लगता है ऐसा, तो थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग कर लेती हूँ क्योंकि अगर मेकअप करोगे एंड आईब्रोज नहीं बनाओगे तो बहुत अजीब सी लगेगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी करके इसको फिलिंग कर रही हूँ। फ्रंट सेक्शन पर आपको नहीं फिल करनी होती, नहीं तो आपको बहुत अजीब सी वो लगती हैं आईब्रोज, तो मैंने इसको फिलिंग कर लिया है। दूसरे आईब्रो को भी मैं इसी तरीके से जो है फिल इन करूँगी एंड स्पूली की हेल्प से इसको कॉम कर लूँगी ताकि जो भी हार्श एजेस है ना वो फिल इन हो सके। एंड उसके बाद मैं कंसीलर लेके इसको अच्छी तरह से शेप दे रही हूँ ताकि यहाँ वहाँ जो भी मेरे पेंसिल से गया होगा ना तो वो कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद आईज़ के ऊपर भी मैं कंसीलर अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी अच्छी तरह से फ्लो करे, सॉरी आई मेकअप जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से लगे। तो यहाँ पर मैं कंसीलर लगा के एंड उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा टैप टैप करते हुए स्प्रेड कर रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया ना आईब्रोज़ के ऊपर वो इसलिए किया है ताकि मेरी आईब्रोज जो है वो हाईलाइट होके बाहर आ सके। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, वो नहीं भी कर सकते हो। सो मैं आई मेकअप के लिए यहाँ पे ये वाला लाइट ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन कलर के लिए। तो पूरे आईलिड के ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेके अपने आउटर वी के ऊपर अप्लाई करूँगी, सॉरी आउटर वी में जो मेरी क्रीज लाइन है ना आईज़ के ऊपर उसी के ऊपर अप्लाई करूँगी एंड स्प्रेड करते जाऊँगी दोनों आईज़ के ऊपर। इसी तरीके से मैं अप्लाई करूँगी, इसको ऊपर तक नहीं लेके जाऊँगी, जो मेरी आईज़ की क्रीज लाइन बनती है ना उसी के ऊपर मैं अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी। तो आपको जूम करके मैं अच्छी तरह से दिखाती हूँ। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने लेना है एंड उसको डिपॉजिट करते जाना है, एक टाइम से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, नहीं तो आपका एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं ग्रीन कलर ये डिसाइड करूँ कि कौन सा अप्लाई करूँ, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं ये जो ब्राउन कलर लिया था उसी के ऊपर मैं टैप टैप करते हुए इसको अप्लाई करूँगी ताकि मेरा वो थोड़ा सा डार्क शेड लगे। एंड ये देखो मैंने कितने इजीली यहाँ पे ये अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर शेड ले रही हूँ ग्रीन कलर का ही एंड टैप टैप करते हुए फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से क्या होता है ना, आपका जो शिमर शेड है वो बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होता है, ब्रश से इतना अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होता है। तो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ पर आई लाइनर लगा रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं
मोटा वाला आईलाइनर लगाऊंगी ताकि मेरी आईज अच्छी तरह से दिखे। मैंने मेकअप पहले नहीं किया था फेस के ऊपर, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल्स होगा ना तो वो मेरे फेस के ऊपर गिरेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। सो यहाँ पे मैं अस्वी स्पीटी का जो है हाइलाइटर वाला लगा रही हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो पूरे फेस के ऊपर जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एंड टैप टैप करते हुए फेस के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ पहले, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप करते हुए अप्लाई करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा आपको जो है वेट करके अप्लाई करना है, ताकि जो भी प्रोडक्ट है ना वो आपके स्पंज पे जाके एब्जॉर्ब ना हो जाए, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर एब्जॉर्ब ना हो जाए, इसीलिए आपको जो है टैप टैप करते हुए अप्लाई करना है, बैट करते हुए सॉरी। सो यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई हो गया है, नाउ कंसीलर टाइम। तो कंसीलर मैं इस वाले पैलेट से ही अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा स्विस ब्यूटी का पैलेट है, तो अंडर आइज के नीचे अप्लाई कर रही हूँ ताकि आईज पॉप अप होके आ सके। गाइज अगर आप कभी भी अपना आईज़ का मेकअप डार्क करते हो ना, तो अपना कंसीलर जो है ना अंडर आइज़ के ऊपर वो ज़्यादा रखना, ताकि आईज़ जो है वो आपकी बिल्कुल अंधेरी वाली ना लगे, ताकि वो आपके हाईलाइट करके बाहर आ सकें। तो यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई करते हैं ना वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो अब मैं अपने पूरे फेस को जो है वो सेट करूँगी पाउडर की हेल्प से। यहाँ पे मैंने लिया है मास्क का पाउडर, लूज़ पाउडर, एंड थोड़ा सा कपड़ों के ऊपर गिर जाता है हमेशा ही मेरे से, तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लूँगी। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा वो लग रहा है, एक ही टोन में लग रहा है, तो अभी इसको मैं अभी ब्रॉन्ज करूँगी, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे ये वाला ब्लश अप्लाई करूँगी, जो मैंने एक ऐप से लिया था, जो अभी ऐप नहीं है यहाँ पे, शॉपी ऐप से लिया था, एंड बहुत पिगमेंटेड है गाइस ये वाला, एंड उसको मैं अपने चिक्स के ऊपर स्माइल करते हुए अप्लाई करूँगी ताकि वो अच्छी तरह से मेरे फेस के ऊपर अप्लाई हो सके। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि ये वाला जो है बहुत ज़्यादा मतलब पिगमेंटेड है। तो एंड यहाँ पे मैं अपने फेस के ऊपर ब्राउन्स कर रही हूँ, ये मेरा पैलेट बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं हमेशा यही पैलेट यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं अपने चिक्स के बोल रही हूँ जॉ लाइन के पास अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरी जॉ लाइन जो है वो दिखती नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे भी अप्लाई करूँगी, नोज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी, फोरहेड के ऊपर अप्लाई करूँगी, ताकि मेरे फेस को जो है वो शेप आ जाए। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है, देखो आप इस तरह से आपको अप्लाई करना है ये। नोज़ के ऊपर मैं छोटे वाले ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नोज़ के ऊपर आप बड़े वाले ब्रश के साथ अप्लाई करोगे तो बहुत मतलब शार्प वाला कॉन्टोर नहीं आएगा वो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रश के साथ, थोड़ा सा फिंगर के साथ, एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब जहाँ पे आपकी लाइट पड़ती है ना फेस के ऊपर, वहाँ वहाँ पे आपको जो है वो अप्लाई करना होता है ये। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है चिक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, नोज़ के पिट बो चिन, एंड थोड़ा सा लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर लिया है मैंने, एंड उसको हाथ की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ। नाउ मस्कारा टाइम। ये गाइस ये मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी, एंड उसके बाद यहाँ पे मेबलिन का वाटर प्रूफ मस्कारा जो है वो मैं अप्लाई करूँगी, एंड 2 से 3 कोट्स में अप्लाई कर लूँगी, एंड बहुत अच्छा ये लगता है। एंड लोअर वाटर लाइन पर मैं यहाँ पर जो है अप्लाई करूँगी ग्रीन कलर का ही वो आई शेडो जो मैंने अप्लाई किया था ना, वही वाला आई शेडो मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड उसको स्प्रेड कर लूँगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक आता है, स्मोकी स्मोकी सा लुक आता है आईज़ का। तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज़ पे सेम वाला शेड जो है वो अप्लाई किया है, एंड स्प्रेड आउट कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से।
सो गाइस यहाँ पे मैंने मस्कारा बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया है, आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे देखो कितनी अच्छी फेक आई लैशेज लग रही हैं। अगर आपको जो है हैवी आई लैशेज दिखानी है ना, तो पहले आपने जो मस्कारा अप्लाई किया है उसको अच्छी तरह से ड्राई होने देना, एंड उसके बाद कलर की हेल्प से इसको रोल कर देना। देखो कितना हैवी सा यहाँ पर लुक आता है। तो मुझे तो ये ट्रिक मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ अपने शॉर्ट वीडियोज़ में, लॉन्ग वीडियोज़ में, तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। ये मेरे पास पड़ा था स्विस ब्यूटी का जो है पेंसिल है, ये लिप लाइनर पेंसिल, तो उसकी हेल्प से मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक जो अप्लाई करूँगी ना, वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगी, उसको टैप टैप करते हुए अप्लाई करूँगी, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपकी लिप्स की जो शेड है वो बहुत नेचुरल सा लगेगा एंड बहुत केकी सा नहीं लगेगा। इसलिए मैं टैप टैप करते हुए यहाँ पे लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर जो है वो रह गया था लगाने के लिए, तो वो लगा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिपस्टिक टैप टैप करते अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नेचुरल सा लुक आता है। सो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है गाइज। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।